चलो खाओ। किसकी वेट हो रही है, यहाँ कौन बैठेगा? भाई आ गए हैं, पता नहीं कितने दिनों बाद भाई मिल रहा है मुझे। मेरी आवाज थोड़ी भारी सी हो गई, बहुत ज्यादा पीछे रुक जा, वाजे ना कर। तो इस भाई ने मुझे गरम गरम चिकन विंग्स खिला दी और ऊपर ऊपर ठंडी ठंडी माउंटेन ड्यू खिला दी बस। उसके बाद जो गला खराब हुआ कैक्टस भाई, हमने खास अमेज़न से मंगवाया। हेलो चले चलिए घर, चलिए चल चल बंद कर। जब हम जा रहे हैं घूमने पता नहीं कहाँ। तो भाई आज हमने व्लॉग शुरू करी ऐसी रैंडम, और भाई कहता आज कहीं घूमने जाना, मैं कहा चलो फिर घूमने। जगह नहीं हमें पता, हमने कहाँ जाना है घूमने, बस जाना है घूमने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मैं भी घर पे था और भाई कामों में सारे बिजी रहते हैं, मेरी शिफ्ट अभी खत्म हुई एक घंटा पहले। तो भाई कहता फिर हो जाओ तैयार, फिर चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं एपिंग अपने पुराने इलाके में, वहाँ पे अपने डोमिनो स्टोर के साथ एक इंडियन स्टोर वाले ऐसी भाई भाई को बहुत प्यार है। किस वहाँ पे कौन ऐसा जिससे प्यार है? भाई की शक्ल से लगता है ओनर से मिलने जा रहे हैं वो। भाई ऑफिस देखो, वहाँ पे बंदा काम कर रहा है और नीचे सारे घूम फिर रहे हैं। व्यू देखो यहाँ से, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पे भाई ने डिलीवरी करी हुई है, एक बार मैंने भी डिलीवरी करी थी। कितने फ्लोर है? पता क्या है भाई, हमें एक घंटे से ना पार्किंग नहीं मिल रही सिटी में। हम गोल गोल इसी जगह घूम ही जा रहे हैं, यहाँ से राइट लेते हैं बस, यहाँ से आके लेफ्ट ले लेंगे, फिर राइट फिर लेफ्ट, बस यही चल रहा है भाई। यहाँ पे जितनी पार्किंग है सारी टैक्सी जोन है, और जो थोड़ी बहुत ही पार्किंग अपने लिए है वो भरी पड़ी है। गाड़ियाँ सारी स्टार्ट है, हम वेट करें कोई निकले, हम लगाए कोई निकल ही नहीं रहा भाई। बार भाई मेरी आवाज और ख़राब होगी मुझे लग रहा। भाई हम दिल्ली पहुँच गए हैं, लाल किला आ गया, अब हम यहाँ खाएंगे। और इधर सबवे है सिटी में, आपको ना पे करना पड़ेगा पार्किंग के लिए और टाइम सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो भाई ये टाइम आ रहा ना, यहाँ पे टाइम आ रहा है, मतलब इस टाइम तक आपके पास टिकट होगी, उससे उसके बाद आप लगा नहीं सकते। जैसे जैसे आप टाइम कम करोगे अमाउंट कम होता रहेगा। भाई बंदा ना अगर कोई टिकट लेना इससे फिर बाउंड हो जाएगा कि हमने 10 बजे वापस आना ही आना, चाहे जहाँ मर्जी हो। नहीं $200 का फाइन है डायरेक्ट, भाई को निकालना नहीं आ रहा। भाई एक ना पहले किसी की पड़ी है, पर ये 7-18 तक की है सिर्फ, कोई पे करके भूल गया बीच में ही, बस यहाँ पर टिकट लगा दो और चलो। और कितने बजे वापस आना हमने? 9:18। तो भाई अभी हम आए हैं डार्लिंग हार्बर, और रेस्टोरेंट का नाम है कैसा आगे क्या आगे भाई बताएगा, पता नहीं यार। आगे पता नहीं हमें, क्योंकि बहुत मुश्किल नाम है, और इटालियन रेस्टोरेंट है। तो हमने कहा आज हम इटालियन फूड थोड़ा ट्राई करते हैं, इंडियन फूड हम हर रोज़ खाते रहते हैं। तो सिटी आज मंडे है, वीकडे है, तो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, मतलब ना एक दो बंदे घूम रहे सिर्फ हमारे जैसे जो फ्री होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, नहीं मतलब पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे। भाई अभी हमने एक पास्ता ऑर्डर किया है और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा तो हम हर रोज़ खाते हैं, फिर भी ऑर्डर किया भाई ने। भाई कहता है यहाँ का पिज़्ज़ा इंस्पेक्ट करके देखते हैं कैसा होता है। डोमिनोज़ में साफ करेंगे ना, वो रेसिपी लेके आएंगे। भाई कह रहा उसमें 5 out of कितने नंबर बनते हैं यहाँ वाले पिज़्ज़े के, तो इसलिए मंगवाना। और इग्नोर माय आवाज, हम सिर्फ ना यहाँ पे एक बंदे से मिलने आया खास, और वो भी आपको बंदा मिलवाते हैं। आड़िया अभिनव का, फिर दूसरा मेरा पूरा भाई। ये वहीं रुक गया भाई, मुझे था कि यहाँ आएगा अपने पास। जो मेरा गला ख़राब था भाई ने मेरे लिए दलिया मंगवा लिया। मजाक कर रहे हैं, पास्ता मंगवाया भाई, ये पास्ता है और ये अपना पिज़्ज़ा आ गया। चीज़ी क्रस्ट है क्या? नहीं, क्योंकि डोमिनोज में चीज़ी क्रस्ट ऐसा होता है, फीलिंग होती है। कहीं भी जाना
टॉयलेट तक एक्सप्लोर करनी है हमने, साफ सुथरा टॉयलेट है इनका। फाइनली भाई वी आर ऑन टाइम, सो 9:18 तक की टिकट है। और टाइम कितना हो गया पता नहीं, कितना हो गया। आज हमने इटालियन रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करा, मतलब हम ऐसे सोच ही नहीं थे। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि एक बंदे रील डाली थी, मैं कहा यहाँ चलते हैं, ये बढ़िया लग रहा है, क्योंकि तो हमें कहीं नहीं पता था हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बाकी अगर खाने की बात करें तो खाना बहुत बढ़िया था, पास्ता भी सही था और पिज्जा तो बहुत सही था, एज कम्पेयर टू जो हम नॉर्मल खाते हैं अपने पिज्जे, उससे बेटर था बहुत ज्यादा। एक पास्ता और एक पिज्जे का बिल आया $70, तो ज्यादा सस्ता भी नहीं है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, पर हाँ क्वालिटी मिलती है थोड़ी, तो उस करके। और साइड में जो आपका रिवर व्यू, जो भी आप कह लो वाटर व्यू, वो भी है ना, तो इस करके उस चीज के भी थोड़े से पैसे मार लेते हैं। जो रॉबर्ट घूम रहा होता है सर्विस के लिए, उसके भी पैसे है। बाकी भाई को कैसा लगा रेस्टोरेंट? एक तो भाई बोलता नहीं, कम बहुत बोलता। तो अब हम कहाँ जा रहे? मेरा मन है कि भाई कुछ मीठा खाते, कुछ डिजर्ट हो जाए। भाई कह रहा घर जाना, क्योंकि भाई का काम है सुबह, तो मैं कहा नहीं, पहले फलूदा खा के जाएगा मोहबन से, तब घर जाएगा। भाई का ही मन है, पर भाई का ये है कि सुबह 7 बजे काम होता है भाई का, और इतनी दूर है भाई, 1.5-2 घंटे की ड्राइव है ना। भाई सोलर पैनल लगाता है, किसी ने सोलर पैनल लगवाने हो सिडनी में तो लगवा सकता है भाई से, कोई पैसे नहीं लेगा भाई, सिर्फ देगा पैसे। क्या बाहर ब्रिज देखो, तो फाइनली भाई पहुंचे घर। तो आज की व्लॉग में यही था, इटालियन रेस्टोरेंट हम घूमने फिरने गए, मतलब कोई प्लान नहीं था, मैं तो बस व्लॉग शुरू कर देता है, कुछ तो बन नहीं जाएगा। तो फिर भाई को यहीं टाटा बाय बाय करते हैं, तो फलूदा अपना कैंसिल हो गया, तो हम कभी और वीकेंड में खाएंगे फलूदा। तो अब चलते हैं घर, और कल फिर अपनी शिफ्ट वापस बैक टू डोमिनोज, पिज्जे बनाने हैं। अभी हम पिज्जा खा के आए हैं, रात को निकाल लेंगे, फिर सुबह बनाएंगे, है ना। मैंने सवेरे करना है, भाई ने सुबह पहले सोलर पैनल लगाएगा, फिर पिज्जे बनाएगा, फिर घर आएगा, मेहनत चलती है पूरे स्टूडेंट। मिलते हैं अगली शिफ्ट पे कल। और आपको अगली वीडियो में, चंगा ओके। ये वाले घर में ना ड्राइव है, ड्राइव है, देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है, इधर अपनी दो वैने खड़ी है, उधर पता नहीं किसकी गाड़ी है, इधर ये अपनी खड़ी है, इधर भाई ले आया।